ऑप्शंस किसे पसंद नहीं, चाहे फिर वो डिनर हो या कपड़े हो या फ्राइडे नाइट की मूवी हो। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैसे ही सेम ट्रेडिंग स्टाइल हर स्टॉक के साथ काम नहीं करती। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग। हम डिस्कस करेंगे उनके प्रोज एंड कॉन्स और सक्सेस मंत्रस को भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम स्मिथ ठक्कर एंड दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। ट्रेडर्स अपने कन्वीनियंस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करते हैं। तो चलिए कुछ पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल्स को देखते हैं। ब्रॉडली ट्रेडिंग के दो स्टाइल्स हैं। पहले है इंट्राडे, जहां विद इन अ डे ट्रेड पूरा होता है, एंड दूसरा है मल्टी सेशन, जहां ट्रेडिंग अलग अलग टाइम फ्रेम्स में होती है। अब इन दोनों में तीन तरह की ट्रेडिंग होती है। लेट्स टेक देम वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल से। इसमें सबसे पहले है डे ट्रेडिंग। एज द नेम सजेस्ट, इसमें ट्रेड एक ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसमें लार्ज पोजिशंस रखते हैं। लिवरेज मार्जिन की वजह से स्मॉल प्राइस मूवमेंट पर भी ट्रेडर्स बड़े रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। बट लेट गो ऑफ ग्रीड, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप यही स्मॉल मूवमेंट पर बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग का सक्सेस मंत्र है अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स एंड साइकोलॉजी बिहाइंड प्राइस मूवमेंट्स। सेकेंड इज स्कैल्पिंग, जिसमें ट्रेडर्स शॉर्ट पीरियड के लिए स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स। स्कैल्प ट्रेड्स 5 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई करना होता है और फंडामेंटल्स का ज्यादा काम नहीं होता। इसमें प्रॉफिट का साइज छोटा होता है, तो स्कैल्पर्स एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए हाईली लिक्विड स्टॉक्स आइडियल नहीं होते। स्कैल्पिंग का एक सिंपल सक्सेस मंत्र है डिसिप्लिन, कंट्रोल योर ग्रीड एंड इम्प्रूव योर एबिलिटी टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स। थर्ड इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग पोजिशंस मिली सेकेंड्स के लिए ली जाती है एंड कुछ ही सेकेंड्स में पूरा गेम चेंज हो जाता है। दिस इज एल्गोरिदम बेस्ड, सो ट्रेडर्स विद फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन स्पीड एंड अप बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। इसमें आप हाई मार्जिन्स के लिए इनक्रेडिबली हाई वॉल्यूम से ट्रेड कर सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वॉल्यूम की वजह से ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल और लिक्विड होता है। इसका सक्सेस मंत्र आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मल्टी सेशन ट्रेडिंग की। फर्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग। याद है वो बचपन के मजेदार झूले, कभी ऊपर कभी नीचे, ये कुछ वैसे ही है, बस इसमें पैसे कमाने का स्कोप है। एज अ स्विंग ट्रेडर आप इधर स्टॉक बाय करके या तो फिर शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को एक दिन से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं टू कैप्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेन्स। यू शुड नो दैट स्विंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स नहीं होते, बिकॉज वो स्टॉक्स को 5 से 10 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करते। इसमें ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स की हेल्प ली जा सकती है, लाइक मूविंग एवरेज इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एंड ईज ऑफ मूवमेंट इंडिकेटर। स्विंग ट्रेडिंग का सक्सेस मंत्र स्टॉक पे डिपेंड करता है। एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट यूजफुल। नेक्स्ट है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप कुछ वीक्स या उससे ज्यादा टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। इसमें ट्रेडर पोजीशन तब लेता है जब स्टॉक अपना ट्रेंड एस्टैब्लिश करता है, एंड एग्जिट तब होता है व्हेन दैट ट्रेंड ब्रेक्स। इसमें बाइंग और सेलिंग टाइम स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा होता है। ये मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है, इसीलिए इसका सक्सेस मंत्र है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। हिस्टोरिकल पैटर्न्स आर द की। 200 डे मूविंग एवरेज इसके लिए सबसे कॉमनली यूज एनालिटिकल टूल है। इन टूल्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जरूर से जानेंगे। एंड लास्ट मल्टी सेशन स्टाइल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एज द नेम सजेस्ट, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, इन्वेस्टिंग मेथड है। इसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना नहीं है, बल्कि इसमें स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करके डिविडेंड, बोनस इश्यूज, स्टॉक स्प्लिट्स एंड बायबैक से गेन्स बुक करना है। इसका एक ही मंत्र है, स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके भूल जाइए। Stay tuned and watch our video series Espresso Bootcamp. Tell us what you thought of this video in the comment section below. Like, comment and subscribe. See you with another topic from the fascinating world of stocks.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.